शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा साहब वो उतना ही दहाड़ेगा। ऐसे ही शिक्षा रूपी दूध को पीने वाले नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो फिलहाल दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को मध्य प्रदेश के उमरिया की धरती से कर रहे हैं, अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी आप सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग की ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले, तो आइए मुलाकात कराते हैं बिना लेट और लतीफ किए मिस्टर हिमांशु गुप्ता सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला सवाल आपसे है सर कि शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा करने के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार नॉलेज एजुकेशन रखने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग को भी पार्ट टाइम में आप कर रहे हैं, आज पूरा देश आपसे जानना और सुनना चाहेगा नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल और ताकत क्या है सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। आज आपके प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं आपको आज पूरा दुनिया देख रहा है और पूरा दुनिया सुन रहा है। और अगर इसकी शुरुआत की मैं बात करूँ तो जनरली मेरे जहन में आता था कि मैं राष्ट्र के लिए बना हूँ, मुझे कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए जिससे मेरे घर की पहचान और नाम और एक अच्छी शोहरत हो। और कहीं ना कहीं हमारे पिता ने हमेशा हमें पढ़ाई के लिए कैसे भी कंडीशन हो पर हमेशा उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, बचपन से ही गांव से शहर हमको ले गए पढ़ाई के लिए। बट जब मेरा ड्रीम 11 12th कंप्लीट होने के बाद जब मेरा ड्रीम बना कि मुझे एक आईएएस बनना चाहिए, मुझे कलेक्टर बनना चाहिए, तो मैंने जब उस फील्ड में गया और मैं जब देखा कि आईएएस की फीस, आईएएस की प्रिपरेशन, क्योंकि सर आईएएस कोई छोटी मोटी रेस नहीं है, आईएएस एक मैराथन है, लगभग 4 से 5 साल की मैराथन, वो भी छोटे शहर में रह के नहीं, वो भी कम पैसे खर्च करके नहीं, एक बहुत बड़े पैसे खर्च करके, एक बहुत बड़े शहर में रहकर ढेर सारी किताबें और ढेर सारे नॉलेज के साथ उसको क्रैक किया जा सकते हैं। क्योंकि आईएएस कलेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो हमारे भारत का सबसे पहला एग्ज़ाम है, यानी कि भारत के अगर कठिन एग्ज़ाम की बात की जाए तो सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम है। जी बिल्कुल सही बात है। जब सर मैं इस फील्ड में गया तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद मुझे पता चला डायरेक्ट सेल बिजनेस के बारे में, और मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूँ कि चीज़ें अगर मुझे सीखने को मिल रही हैं तो मैं सीखूँगा। जब मुझे पता चला कि यार सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आओ डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज ले लो, ट्रेनिंग ले लो, समझ लो, मुझे लगा क्या है, एक हफ्ते तो हम 100 के गुजार देते हैं, एक हफ्ते तो हम कहीं घूम के गुजार देते हैं, चलो कुछ सीखने को मिलेगा। मैं गया, ट्रेनिंग मैंने ली डायरेक्ट सेल का, पूरा चीज़ों को समझा जाना। उसके बाद मुझे पता चला यार ये बिजनेस हो सकता है, जो मैं ड्रीम लेके चल रहा हूँ आईएएस का, ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और फिर मैंने ताबड़तोड़ इस बिजनेस को समझा सीखा जाना, और बिना, हाँ मुझे भी लोग बोले, जैसे लोग कहते हैं ये फंसने फंसाने वाला खेल है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाला खेल है, नहीं है कुछ भी नहीं होता है, मैं पहुंच रहा हूं कि होता है कि नहीं होता है, कितना होता है डायरेक्ट सेल बिजनेस। जब मैं यहाँ आया मैंने परचेजिंग की, पता चलता था लोगों को पैसे फंस जाते हैं, लोग लूट जाते हैं, मैं यहाँ गया मैंने जो कीमत दी मुझे उसका प्रोडक्ट मिल गया और मेरा ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपके पास लाखों करोड़ रुपए होंगे तो आप क्या करोगे, एक मॉल ओपन करोगे, एक एजेंसी ओपन करोगे या फिर एक कंपनी ओपन करोगे, फिर क्या करोगे, उसको सेल ही करोगे ना। पर यार मैंने ना सिर्फ 10,000 5,000 का प्रोडक्ट खरीद कर एक कंपनी का ऑनर बन गया। मैं उस कंपनी से जितना भी प्रोडक्ट सेल करूंगा और मैं वहां से पैसे कमा सकता हूं, मैं बॉस हूं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जब मैंने इसकी ताकत को जाना, मैंने इसकी ताकत को समझा, मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे भी निगेटिव वीडियोज मिले, मुझे भी कंपनी को लेकर तरह तरह की बातें मिली, मैं भी सुना। पर कहते हैं ना समझदार इंसान वही होता है जो सबकी सुनता है और करता अपने मन की है। करता अपने मन की ऐसा नहीं है, वो सब में छानता है चीज़ों को, फिर उसको पता चलता है सही क्या है। और जिस इंसान ने सही चीज़ों को समझा, जिस इंसान ने सही चीज़ों को जाना, उसका जीवन ऑलरेडी सही होता है। यही सफ़र रहा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल बिजनेस का। आया फील्ड में गया, टीम बनी, कई बार टूटी कई बार बिखरी, पर मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एक बड़े शहर में जाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बड़ी इनकम चाहिए। और आप सबको पता होगा कि डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है
जो जो कि पैसे में इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। जब मैंने जाना कि अगर मुझे आईएएस को क्रैक करना है तो मुझे जाना कहाँ पड़ेगा, पता चला मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में कम से कम मुझे 4 से 5 साल रहना पड़ेगा। और अच्छी अच्छी जब कोचिंग्स का मैंने फीस देखा सर, मुझे पता चला 2 लाख 2.5 लाख रुपये फीस, मैं तो हैरान हो गया। 2 लाख का तो मेरा जमीन और मकान है, ये बिक जाएगा तब मैं फीस बस भरूंगा और हर मंथ जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे। सही बात। फिर मैंने इस बिजनेस को एक प्रॉपर तरीके से फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। मैं भी पहले चीजें नहीं समझता था यार, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ लोग आते थे, नहीं आते थे, ज्वाइन करते थे बिजनेस, नहीं भी करते थे। कई मोड़ आए, मतलब डाउनफॉल, अप डाउन, बहुत चीजें बिखरी बनी, बिखरी बनी। 2.5 लाख की फीस, हर मंथ 15 से 20 हज़ार दिल्ली का खर्चा और महीने में कम से कम 2000-4000 की किताबें। जब मैं कैलकुलेशन लगाने को बैठा तो मैं बोला कि 4 से 5 साल के भीतर मुझे मैक्सिमम कम से कम 8 से 9 या 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। right. और ये आएगा कैसे? मैंने जाना डायरेक्ट सेल बिजनेस में टीम वर्क होता है सर, ऐसा ही है ना? टीम वर्क होता है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट सेल बिजनेस ही है जो हमें पैसिव इनकम भी देता है। डायरेक्ट सेल बिजनेस ही है जो एक बार एफर्ट कर दो, आने वाले टाइम में तुम बैठे रहो, तुम्हें पैसा मिलता है। मैंने सोचा कि मैं अगर जॉब करूंगा तो जब तक जॉब करूंगा तब तक पैसे मिलेंगे। मैं तो अभी 12th क्वालिफाई किया हूँ तो मुझे कितना कमा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम करके 15,000 रुपए या 16,000 रुपए। पर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फीस तो इकट्ठी कर लूंगा, पर हर मंथ का खर्चा ये तो नहीं आ सकता मेरे पास। फिर मैंने डायरेक्ट सेल को समझा, यार आपको ना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, MLM, SLM, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप MLM की पावर नहीं जान पाओगे, और मैं MLM की पावर ही बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं हिमांशु गुप्ता सर हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं। शुरू में सर को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था, और IAS की तैयारी के लिए वास्तव में एक बड़ा बजट आपको चाहिए। एक आम इंसान इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि पढ़ाई पैसे का अभाव होता है। तो कहीं ना कहीं आज हिमांशु सर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज खुद तो जीवन सजा संवार रहे हैं, आज बहुतों को भी इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको टकराते होंगे, ऐसे लोग जो आपसे डायरेक्टली आपसे बोलते होंगे कि इसमें कुछ रखा नहीं, मैंने दुनिया देखी है। स्पेशली ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं कि भाई साहब मैंने दुनिया देखी है, इसमें कुछ होता नहीं। आपके बहुत सारे कलीग्स भी होंगे, बिल्कुल सर, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपकी बातें तो सुनते हैं, आपकी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? मैं अगर ये बात करूं कि लोग सक्सेस हो रहे हैं और लोग उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को देखा है, और मैं आज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं जब पढ़ता हूं, हिस्ट्री पढ़ता हूं, जियोग्राफी पढ़ता हूं, पॉलिटिक्स पढ़ता हूं, तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े नेता मिले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये। और अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो अकबर, सुल्तान, फिर भी लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया। कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि मैं अगर उस मुकाम को हासिल कर लूँगा तो क्या मैं उसको डिजर्व करता हूँ कि नहीं। वो जो आप कहते हैं ना सर कि लोगों को चीज़ें तो मिल जाती है पर वो डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता, और डाइजेस्ट करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। सही बात है, ये क्षमता हमें पैदा करनी पड़ती है, और ये क्षमता वही पैदा करता है जिसको खूब भूख होती है। हमें भूख है लोगों की सोच को बदलने की, हमें भूख है लोगों को आगे बढ़ाने की, हमें भूख है लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की, हमें भूख है अपने देश को आगे विकसित करने की। बिल्कुल सही बात है। सफर रहा नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके बाद जब मैं दिल्ली सेटल हो गया, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, सर्च कर सकते हैं गूगल में, दृष्टि IAS हमारे भारत की सबसे पहली संस्था है जो IAS बनाती है, और हिंदी मीडियम से सबसे ज़्यादा IAS अगर निकले हैं तो दृष्टि इंस्टीट्यूट से निकले हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर को आप रोल मॉडल मानते होंगे आज के। और 2.5 लाख की फीस, उसके बाद ढेर सारा खर्चा, ये आज सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत है। आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति अपने ड्रीम्स को भी अगर फुलफिल करना चाहता है, एक व्यक्ति अपने सपनों को भी साकार अगर करना चाहता है,
तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी ज़िंदगी में एज अ करियर करना होगा। और आज नेटवर्क मार्केटिंग को करके उस रेवेन्यू से ही आज दृष्टि जैसे IAS कोचिंग सेंटर में दिल्ली में रह करके, जहां मुझे लगता है कि महीने का लगभग 30-32 हज़ार रुपये तो केवल खर्च होगा वहां रहने का, खाने पीने का, और साथ में जो क्लासेस कर रहे हैं 2.5-3 लाख रुपये की फ़ीस, वो सब आज पॉसिबल हो पाया हिमांशु गुप्ता सर का, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और शायद इसी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और पोटेंशियल को पूरे भारत में लोगों को बता रहे हैं। एक वीडियो आपने बहुत अच्छी बनाई थी, आपसे बातचीत जब मेरी हुई थी, कि आपने नौकरी को चाय की तरह आपने इसको वो किया था। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जब इतना सब कुछ है तो आप IAS क्यों बनना चाहते हो, तो थोड़ा सा आप पब्लिक को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे भी जहन में बस यही चल रहा था कि ये वाला सवाल टक करे मुझे और मैं चीज़ें बताऊँ। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला खेल है, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गेम को बनाने वाला खेल है। एक काम करता हूँ, अगर तुमने मुझे फंसाया है ना, अभी मैं फ़ोन उठाऊँगा और अभी मैं पुलिस को मिलाता हूँ फ़ोन, और मैं बताता हूँ तुम गलत काम कर रहे हो, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं उसी का जवाब देने के लिए, मुँह तोड़ जवाब देने के लिए IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप बोल पाओगे क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, जब मैं खुद एक IAS पद पर जब इस नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करूंगा, किसको फोन लगाओगे? सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग पुलिस को फोन करते हैं, किसी और को फोन करते हैं, मैं फंस गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, धमकाते हैं सर। जबकि अभी सर ने पूर्व में ही कहा कि आपने पैसा दिया, हमने प्रोडक्ट दिया, बात खत्म हो जाती है, नहीं सफल हो पाए, नहीं कर पाए, तो इसमें गलती। तो मेरे साथ 2.5 लाख रुपए फीस देते हैं, कितने बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो अपना पबजी कोई खेल रहा है, कोई IPL देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बगल में बैठ के बस बातें कर रहा है, कोई 15-20 मिनट लेक्चर लिया उसके बाद चला गया, मैं सबको देखता हूँ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, वहाँ से जो लोग हार जाते हैं या वो जो लोग फेल हो जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं, क्या कि मैं फंस गया या मैं बर्बाद हो गया, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोलते हैं कि इस कोचिंग में मैंने 2-2.5 लाख रुपए दिए और मैं बर्बाद हो गया, यहाँ के टीचर अच्छे नहीं थे, जबकि उसी इंस्टीट्यूट से पता नहीं कितने IAS निकले। मनोज शर्मा को आप जानते होंगे, तल्त फैल मूवी आई थी, दृष्टि IAS से ही निकला। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कितनी पॉपुलर मूवी हुई, उनकी किताब भी है, उनकी मूवी बनी। तो मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग को, पहले तो मेरा एम था IAS, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने देखा कि हमारे जो नेटवर्कर हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं कि लोग उनको धमकाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, हम पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत तेज़ी से टक की, यार मुझे IAS बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कि मैं बताऊँगा कि जब एक IAS एक नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है, तब कौन इस बिजनेस को गलत बोलेगा। मैं उन लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ IAS के लिए, जो लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए, जैसे आप जैसे लोग सर आज आप पूरा भ्रमण कर रहे हैं, पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, उन लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। पर कहीं ना कहीं उन लोगों का वो थाना पुलिस इन सब के चक्कर में उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता है और बंदा अपने बिजनेस को उस बाबा बेबाकी के साथ काम नहीं कर पाता है, और इसी बेबाकी के लिए मैं IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। तो देख रहे हैं देवियों सज्जनों, हिमांशु गुप्ता सर IAS की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो नेगेटिविटी पूरे हिंदुस्तान में छाई है, बिल्कुल, उसे पॉजिटिव कर सकें और लोगों को बता सकें, सिखा सकें, समझा सकें, और भारत सरकार के पक्ष में जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे हिंदुस्तान में पॉजिटिव वेव में तब्दील कर सकें। इसीलिए आज हिमांशु सर IAS की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा साथियों कि सर ऑलरेडी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, क्योंकि सर ने अपनी बेबाकी के लिए आज पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और आपके अंदर भी कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर सर से समाधान करिएगा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।